डियर स्टूडेंट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द स्टेशनैरिटी प्रोसेस के इम्पोर्टेंस भी बताई है जब आपने वेरिएबल्स का या एस्टिमेशन स्टार्ट करनी है देन द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज टू चेक द स्टेश सीरीज आपने चेक करना होगा वेदर द सीरीज इज स्टेशनरी और नॉट अगर स्टेशनरी है देन यू हैव टू कंफर्म वैदर द सीरीज इज स्टेशनरी एज इट इज़ इन औरजिनल शेप ऑफ द सीरीज या आपकी सीरीज इज स्टेशनरी ऑफ इंटीग्रेटेड ऑफ आर्डर वन मीन्स हमने फर्स्ट डिफरेंस लिया है या इंटीग्रेटेड ऑफ आर्डर टू है हमने सेकंड डिफरेंस लिया है हमने उसका डी ट्रेंडिंग की है हमने वेरिएबल की शेप को मोल्ड किया है या अगर सम टाइम द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इफ़ द सीरीज इज़ इवन नॉन स्टेशनरी एट सेकंड डिफरेंस ऐसे होता है कि आपकी सीरीज आई नॉट पे आपने चेक किया एज इट इज़ इज़ नॉन स्टेशनरी आपने फर्स्ट डिफरेंस लिया इज़ अगेन नॉन स्टेशनरी आपने सेकेंड डिफरेंस लिया अगेन सीरीज इज़ नॉन स्टेशनरी देन आपने किस तरह उसको प्रोसेस करना होगा फिर आपने ये करना है कि आपने सीरीज को कोई और उस पर उसको मोल्ड करना है लाइक यू कैन टेक द लॉग ऑफ द सीरीज लॉग लेने से वैल्यूज कंप्रेस हो जाएगी रिजल्ट थोड़ा सा चेंज हो सकता है uh, इसके अलावा आप वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं स्टैंडर्डाइज करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं विच आई थिंक यू हैव डिसकस्ड इन योर स्टेटिस्टिक्स कोर्स के स्टैंडर्डाइज वेरिएबल जो है वो किस तरह हम कन्वर्ट करेंगे देन uh, हम उसको सम टाइम मर्ज कर देते हैं किसी और वेरिएबल में ताकि उसका वो जो पैटर्न है वो चेंज हो जाए तो इसलिए ये प्रोसेस uh, होगा अब नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द स्टेशनरिटी के हम uh, दो क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे नंबर वन वेन सीरीज इज स्टेशनरी एंड आई थिंक यू हैव द आइडिया आप स्टेशनरी सीरीज उसका ट्रेंड देखेंगे उसके क्रेलोग्राम देखेंगे उसका ग्राफ देखेंगे उसका स्केटर प्लॉट देखेंगे तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा देन देर आर सम फॉर्मल टेस्ट फॉर चेकिंग द स्टेशनरी सेकेंडली इफ द सीरीज इज नॉन स्टेशनरी देन प्रोसेस कौन सा होगा उसको स्टेशनरी बनाना है तो कौन सा प्रोसेस होगा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम उसको डिफरेंस ले सकते हैं फिर हमने किया कि डिफरेंस पे नहीं हो रही तो डिफरेंस का डिफरेंस ले लें कुछ हमने किया कि उसका ट्रेंड हम चेंज कर लें कुछ के लिए हम उसका लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसका डिफरेंस ले लें कुछ हमने क... यानी ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है देन उसके लिए जो uh, कौन से टेस्ट जनरली यूज होते हैं फॉर चेकिंग द स्टेशनरिटी इन द सीरीज तो जिस वक्त हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा कि वेदर द सीरीज इज स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी सबसे पहले चेक करना है कि हाउ यू कैन डिटेक्ट द सीरीज इज स्टेशनरी देन सेकेंडली इफ द सीरीज इज़ नॉन स्टेशनरी देन आपने किस तरह मूव uh, फॉरवर्ड करना होगा कि आप उसको चेक कर सके तो देर आर सर्टन लाइक टेस्ट अगर हम स्टेशन के फॉर्मल टेस्ट जो प्रोमिनेंट देर इज वाइटी ऑफ स्टेशन टेस्ट अवेलेबल इन लाइक स्टेटा इन ई व्यूज इवन एस में हम यूज़ कर सकते हैं आर स्टूडियो में है तो हम उन सारे टेस्ट को इंक्लूड कर सकते हैं बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनट टेस्ट एंड ऑथेंटिक टेस्ट आर डिकी फुलर डिवेलप बाय डिकी एंड फुलर सेकेंड वन इज द ऑगमेंटेड शेप द एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ ए डिकी फुलर टेस्ट उसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट ये uh, भी प्रोमिनेंट है इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर चेकिंग द स्टेशनैरिटी एंड थर्ड वन इज एन अदर इम्पॉर्टेंट डेट इज़ फिलिप पेरेंट टेस्ट इसको हम यूज़ कर सकते हैं फार्स्ट स्टेशनैरिटी ऑन आंती अदर हैंड कुछ हम इनफॉर्मली भी चेक कर सकते हैं ग्राफिकल एनालिसिस हम उसका ग्राफ ड्रा करते हैं और ग्राफ से हमें आइडिया हो जाता है वेदर द सीरीज इज स्टेशनरी नॉट स्टेशनरी देन वी हैव द आइडिया ऑफ कुरेलोग्राम हम कुरेलोग्राम से चेक करते हैं वेदर द नंबर्स ऑफ ए सी एफ एंड पी एस एफ लाइक ऑटो कोरलेशन फंक्शन एंड पार्शल आटो कोरलेशन फंक्शन A.C.F. for auto correlation function and P.A.C.F. for par partial auto correlation function ये बताते हैं कि वो जो significant limits हैं उनके अंदर अगर A.C.F. और P.A.C.F. की values लाइक आ रही हैं then series is stationary अगर वो नहीं लाइक आ रही तो series is non-stationary उसको किस तरह हम convert करेंगे वहाँ से हमें ये भी idea हो जाएगा कि यहाँ पे A.R. process आ, आ रहा है या MA process आ रहा है and you have the idea दैट ए आर प्रोसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के लैग पे हम उसको रिग्रेस करते हैं लेकिन एम ए प्रोसेस में हम डिपेंडेंट वेरिएबल को उसके एरर के लैग पे रिग्रेस करेंगे टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल के लैग पे रिग्रेस करते हैं सम टाइम एरर पे रिग्रेस करते हैं अगर हम एरर के लैग पर रिग्रेस करते हैं देन दिस इज एम ए प्रोसेस मूविंग एवरेज प्रोसेस अगर डिपेंडेंट वेरिएबल के लैग पे कर रहे हैं दिस इज ए आर ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस और इनमें माइनर सा डिफरेंस है जिसको हम आगे एनालिसिस uh, में यूज़ करेंगे कि हमने ए प्रोसेस किस तरह चलाना है और एम प्रोसेस किस तरह चलाना है सम टाइम आर्मा प्रोसेस मिक्स हो जाता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का लैग भी इंक्लूड करना पड़ता है और एरर के लैग को भी इंक्लूड करना पड़ता है वो आर्मा प्रोसेस होता है और अगर उसमें हम उसको थोड़ा एक्सपेंड कर दें इंटीग्रेटेड प्रोसेस भी इंक्लूड कर दें देन वो आर्मा बांधेगा ऑटो रिग्रेसिव आई फार इंटीग्रेटेड एंड एम ए फार मूविंग एवरेज प्रोसेस